मेट्रो जनपद की आवाज। जालौन मेट्रो से मैं रश्मि पांडे। अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुमंत गुप्ता के स्टेशन रोड उरई आगमन पर वैश्य समाज के लोगों ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। इसके उपरांत डॉक्टर सुमंत गुप्ता ने एक प्रेस वार्ता के दौरान प्रेस के माध्यम से विगत दिनों कालपी में हुए नारी शक्ति कार्यक्रम में कुठौन के महिला पदाधिकारी व कार्यकर्ता के बीच मारपीट पर भाजपा जिला कार्यकारिणी द्वारा कुठौन मंडल अध्यक्ष अमित नीखरा के पार्टी से निष्कासन पर आक्रोश जताया। उन्होंने बताया कि अमित नीखरा जी सब लोगों के लोकप्रिय नेता हैं। वह मेरे संगठन अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। अमित नीखरा जी को षड्यंत्र के तहत निष्कासित किया गया है। संगठन के लोग इसकी निंदा करते हैं। वैश्य समाज हमेशा निष्ठापूर्वक भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा रहा है। ऐसे गलत निर्णय से समाज आहत है। अमित नीखरा का निष्कासन रद्द किया जाए। उन्होंने कहा कि अमित नीखरा जी को पुनः पार्टी में ससम्मान पद सहित वापसी करें और यदि पार्टी जल्द निर्णय नहीं लेती तो वैश्य एकता परिषद विचार करने को बाध्य होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन एवं राष्ट्रीय व प्रांतीय पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह 17 दिसंबर को आगरा के एमडी जैन इंटर कॉलेज में आहूत किया गया है। इसमें पूरे प्रदेश और देश के प्रतिनिधिगण भाग लेंगे और इस सम्मेलन के माध्यम से हम लोग प्रस्ताव भी पारित करने वाले हैं कि आगामी लोकसभा के चुनाव में वैश्य समाज की हिस्सेदारी और भागीदारी बढ़नी चाहिए। अभी वर्तमान समय में मात्र 2 सांसद हैं। निश्चित रूप से पूरे उत्तर प्रदेश में 12 सांसद कम से कम हो। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी से मांग है कि वह समाज की भी आगामी लोकसभा के चुनाव में हिस्सेदारी और भागीदारी दी जाए, क्योंकि सर्वाधिक स्थायी रूप से भारतीय जनता पार्टी का कोई वोटर है, मतदाता है, तो वो निश्चित रूप से वह समाज है जो बिना किसी प्रलोभन के, बिना किसी दबाव के भारतीय जनता पार्टी का तन मन और धन से समर्थन करता है। ये उस समय से समर्थन कर रहा है जब दीपक चुनाव चिन्ह हुआ करता था। आज हम लोगों की मांग है कि कम से कम उत्तर प्रदेश में वह समाज की हिस्सेदारी और भागीदारी दी जाए। दूसरा विषय हम लोगों का ये भी है कि जीएसटी में जो पंजीकृत व्यापारी हैं उनके बीमा की राशि 20 लाख रुपए होनी चाहिए। छोटे, मध्यम और मझोले स्तर का जो व्यापार करते हैं निश्चित रूप से प्रभावित होते हैं। हमारी मांग है कि गंभीर बीमारियों से त्रस्त, चाहे किडनी की हो, हार्ट की हो और अनेकों रोग, जो कैंसर है, ऐसी बीमारियों के इलाज की व्यवस्था प्रदेश और देश की सरकार को करनी चाहिए। आयुष्मान योजना का लाभ जो पंजीकृत व्यापारी हैं उनको मिलना चाहिए। इन सभी मांगों को लेकर प्रस्ताव 17 दिसंबर को हम लोग रखने वाले हैं। इसके साथ एक प्रमुख मांग ये भी है कि खुदरा व्यापार में जो बड़ी विदेशी कंपनियां पूंजी निवेश कर रही हैं, इससे छोटा व्यापार, छोटा व्यवसाय, छोटा उद्योग प्रभावित हो रहा है। हमारी मांग है कि जो इस खुदरा व्यापार में बड़ी विदेशी कंपनियां आई हैं उस पर 28% जीएसटी लगा देनी चाहिए, जिससे छोटा व्यापार, खुदरा व्यापार, रिटेल का व्यापार जीवित रह सके। इन सभी मांगों को हम लोग 17 दिसंबर में रखने वाले हैं। इसके साथ ही एक उरई में जिस प्रकार से मंडल अध्यक्ष, जिस प्रकार से कठौन के मंडल अध्यक्ष अमित निखरा को निष्कासित किया गया है, वो किसी भी दृष्टि से न्यायोचित नहीं कहा जा सकता। हमारी मांग है कि इस पर पुनर्विचार किया जाए। अमित निखरा वैश्य एकता परिषद के प्रदेश के उपाध्यक्ष है और 8 साल से भारतीय जनता पार्टी के कठौन के मंडल अध्यक्ष रहे हैं, तो संगठन को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। निश्चित रूप से उम्मीद है कि संगठन इस पर गंभीरता से विचार करे। जालौन मेट्रो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जालौन जनपद से जुड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।